हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कपिल चौधरी और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो टेरा कॉपी सॉफ्टवेयर होता है उससे कहा जाता है कि हमारे जो पीसी की कॉपी पेस्ट की स्पीड है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो आज हम उसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके देखने वाले हैं और नॉर्मल भी हम कॉपी पेस्ट करके देखेंगे और सॉफ्टवेयर की मदद से भी कॉपी पेस्ट करके देखेंगे कि हमारे जो सिस्टम की स्पीड है वो इंक्रीज़ होती है नहीं। तो मैंने जो टेरा कॉपी सॉफ्टवेयर को मैंने इंस्टॉल कर लिया है और अब मैं पहले नॉर्मली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ, उसके बाद में हम टेरा कॉपी की मदद से यहाँ पे उसे पेस्ट करके देखेंगे। यहाँ पे मेरा एक पेन ड्राइव मैंने लगा के रखा है 16 GB। अब यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और मैं पेन ड्राइव में पेस्ट करता हूँ। उसके पहले मैं स्टॉप वॉच निकाल लेता हूँ कि कौन सा कितना टाइम लगाता है। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर कॉपी विथ स्ट्रेट और यहाँ पे मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कितना टाइम लगाता है। और उसी डाटा को मैं एक बार फिर से टेरा कॉपी की मदद से उसे पेस्ट करता हूँ। यहाँ से दोनों फाइलों को मैंने डिलीट कर दिया है। अब यहाँ से मैं वापस इसे एक बार कॉपी और यहाँ से पेस्ट। इस बार हम टेरा कॉपी जो सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से करेंगे। ये जो है सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है। तो पहले हम यहाँ पे डेटा हमारा देखते हैं कितने MB का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेम 840 है। तो आपने यहाँ पे देखा जो हमने हमारे जो PC से इसे कॉपी किया तो नॉर्मल 2 मिनट और 27 सेकंड में यहाँ पे कॉपी हो गया और जब हमने टेरा कॉपी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया तो यहाँ पर 3 सेकेंड का अंतर है, यानी कि जो है 3 सेकेंड इसमें और भी अलग है। तो मेरे हिसाब से इसमें यह प्रूफ होता है कि जो टेरा कॉपी सॉफ्टवेयर से आप कॉपी पेस्ट करें या फिर नॉर्मल PC से ही अपने जो कॉपी करते हैं तो सेम यहाँ पे टाइम लगने वाला है। आपने देखा कि सॉफ्टवेयर की मदद से भी किया तो वही टाइम लगा है। और आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि स्पीड से रिलेटेड डेटा कॉपी या स्पीड से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है हम उन्हें भी देखेंगे ट्राई करके। जो इस बार तो हमारा जो टेरा कॉपी है उसने सेम वर्क किया है, PC में नॉर्मल कॉपी है उसमें। और जो मैंने पेन ड्राइव सेंडिक्स का यूज़ किया है 3.0 और ये मैंने पीछे PC में पीछे की साइड मदरबोर्ड में लगाया हुआ है। आप फ्रंट में लगाओ या चाहे बैक में लगाओ तो ये सेम काम करता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। Thanks for watching.